वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की बात करने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम लेके आए हैं बिजनेस, ठीक है, स्टैटिक्स का पेपर। बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपने वाले हैं 2022 के एग्जाम में आप अभी देने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। देखो, आगरा यूनिवर्सिटी का आज पेपर हुआ था जिसका पेपर का नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर हुआ है, पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने बताए थे सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ लेना। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट यहां समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहां आपको देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने का जो तरीका होता है वो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद में सीधे आंसर को पढ़ लिया करो, क्योंकि टाइम कम है तो बस यही करेंगे हम, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और आराम से आप इन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। अब देखो यहां कह रहा है, यहां बोला गया है, इनसे ध्यान से देखना है। यहां कह रहा है स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था स्टैटिक्स को हम हिंदी में संख्यांकी बोलते हैं, तो संख्यांकी का सबसे पहले प्रयोग 1749 में किया गया। ओके, याद हो गया 1749। संख्यांकी को जर्मन भाषा में कहा जाता है, तो संख्यांकी को जर्मन भाषा में स्टैटिक बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संख्यांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो बेटा संख्यांकी की खोज किसने की, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो याद रखना अचेनवाल को बोला जाता है, ठीक है, जिसे अचेनवाल बोलते हैं, अचेनवाल को बोला जाता है। ओके, अचेनवाल याद रखना, ठीक है। संख्यांकी मतलब कैसे अचानक आ गई, ऐसे याद रखिए, कैसे आ गई बेटा, अचानक आ गई, ठीक है। तो अचेनवाल कह सकते हैं, ठीक है, गार्ड फ्राइड अचेनवाल। ओके, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। वही बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां बोला गया है भारतीय संख्यांकी का पिता किसे माना जाता है, तो भारतीय संख्यांकी, देखो भारत की संख्यांकी की बात करें, भारतीय संख्यांकी तो वो महान आदमी होगा, तो महा देखो यहां लिखा है महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस को माना जाता है, महान आदमी होगा जो भारत में संख्यांकी की संख्यांकी जो संख्या को लाया होगा, जो महान आदमी होगा। तो इस प्रकार से महान कह सकते हैं महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस याद रखेंगे हमेशा, आप कभी छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, क्योंकि महान आदमी ही संख्या को ला सकता है भारत के अंदर, वो चीज, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है संख्यांकी शब्द किस रूप में प्रयोग किया गया, तो संख्यांकी जो शब्द था बेटा वो एकवचन और बहुवचन के दोनों में प्रयोग किया गया, एकवचन और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संख्यांकी को माना जा सकता है, बेटा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब यहां देखिए, और यदि आप रिटन एग्जाम देने वाले हैं तो रिटन एग्जाम के लिए भी हमने 2022 में आने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। संख्यांकी को माना जाता है, तो बेटा संख्यांकी को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है, विज्ञान भी माना जाता है संख्यांकी को और कला भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहां नीचे क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहां कह रहा है आयोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है, जो आयोजन नियोजन जो होता है वो आजकल का व्यवस्थित क्रम होता है, और समको के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कथन को, ये कथन था, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ये टिपटेट कह सकते हैं, टिपिट का है, ये टिपिट द्वारा दिया गया है, इस प्रकार से कह सकते हैं, जो टिपिट है उनके द्वारा ये कथन को दिया गया कि नियोजन आजकल एक व्यवस्थित क्रम है और इनको शामको के बिना नियोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संख्यांकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा था संख्यांकी है वो गणना का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया, ये डॉक्टर बाउले द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर जो बाउले थे, बाउले जिसे कह सकते हैं डॉक्टर बाउले, उनके द्वारा बोला गया, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संख्यांकी में अध्ययन होता है, तो संख्यांकी में बेटा समूह का अध्ययन होता है, संख्यांकी में किसका अध्ययन होता है बेटा समूह का, संख्यांकी में समूह का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यांकी माध्यों का विज्ञान है, किसने कहा, या फिर आपसे पूछेगा संख्यांकी को उचित रूप में माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा। देखो जो माध्य है, माध्यों का जो विज्ञान कहा जाता है संख्यांकी को, ये किसने कहा, ये भी बेटा कह सकते हैं बाउले द्वारा कहा गया था, तो डॉक्टर बाउले ने कहा था, ऑप्शन नंबर बाउले कह सकते हैं बाउले, ऑप्शन नंबर जिसने ए को लॉक किया है, ये कहा था कि जो संख्यांकी है वो माध्यम का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संख्यांकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा बेटा बी ऑप्शन जिसे कह सकते हैं जो बॉडी कह सकते हैं वॉडिंगटन की है, वॉडिंगटन बोलेंगे इसको, वॉडिंगटन की है संख्यांकी अनुमानों और भावनाओं का विज्ञान है, ये वॉडिंगटन ने कहा था, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है
बी इज राइट होगा, वर्डिंगटन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यांकी का कार्य है, तो संख्यांकी का कार्य क्या होता है, उपरोक्त सभी होते हैं बेटा। संख्यांकी का कार्य क्या होता है, उपरोक्त सभी होते हैं, याद रखेंगे ठीक है। कह सकते हैं सार्मकों का संकलन कर सकते हैं, समांकों का निर्वचन कह सकते हैं और संघों का विश्लेषण कह सकते हैं, तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। यहां देखो यूनिट नंबर दो आ गई, यूनिट नंबर दो में देखो यहां बोला गया है संख्यांकी अनुसंसाधन से ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे। यहां बोला गया है अनुसंसाधन का उद्देश्य एवं क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए, तो अनुसंसाधन का उद्देश्य और क्षेत्र निर्धारित किसमें करना चाहिए बेटा, तो आप कहोगे अनुसंसाधन के प्रारंभ में करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संख्यांकी अनुसंसाधन का, ठीक है, अनुसंसाधन का क्षेत्र आधारित होता है, संख्यांकी जो अनुसंसाधन का जो क्षेत्र आधारित होता है वो उपरोक्त सभी पर आधारित होता है, से साधनों पर भी, संसाधनों पर भी होता है, उद्देश्यों पर भी होता है और समय की उपलब्धता पर भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अनुसंसाधन की रीति है, अनुसंसाधन की रीति क्या होती है बेटा, एक बार ऑप्शन को देखेंगे, अनुसंसाधन की रीति जो होती है वो आ और बा दोनों राइट है, तो यहां कह रहा है प्रतिदर्शन रीति और साथ ही साथ संगणना रीति, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संगणना रीति आधारित होती है, तो संगणना रीति जो आधारित होती है वो कह सकते हैं जो समग्र होती है उस पर आधारित होती है, समग्र, ठीक है, समग्र पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संख्यांकी अनुसंसाधन में कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, तो अनुसंसाधन में जो कार्य नहीं किया जा सकता वो नहीं किया जा सकता है अशुद्धियों का विश्लेषण। बेटा संख्यांकी जो अनुसंसाधन होता है उसमें याद रखना जो अशुद्धियां होती है उनका विश्लेषण नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है भारत की वर्ष 2011 की जनसंख्या उदाहरण है, तो मेरा भारत की जो 2011 की जनसंख्या थी उसका जो उदाहरण होगा वो आ और बा दोनों होंगे, तो कह सकते हैं परिमितीय समग्र और अपरिमितीय समग्र, ठीक है, याद रखेंगे दोनों होंगे, ऑप्शन नंबर 2011 के उदाहरण है ये जनसंख्या के। अब तीसरे यूनिट के अंतर्गत यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बाकी कुछ मत देखना, मैं आपसे वादा करता हूँ यही क्वेश्चन छपेंगे आपके पेपर में, ठीक है, एमसीक्यू जिसके भी आ रहे हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां लिखा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स और क्या होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, वही आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए यहां बोला गया है यहां जनगणना और निर्दर्श जो निर्दर्शन होता है निर्दर्शन बोल सकते हैं उससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ये देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। देखो यहां जो क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है निष्कर्षों की अधिक विश्वसनीयता के लिए प्रतिदर्श या फिर जिसे न्यायदर्श भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसका आकार होता है तो वो होता है बड़ा होना, कह सकते हैं बड़ा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। यहां बोला गया है प्रतिदर्श का आकार निर्भर होता है, ठीक है, प्रतिदर्श का जो आकार निर्भर होता है वो उपरोक्त सभी पर होता है, वो कह सकते हैं समग्र के आकार पर और समग्र के प्रकृति पर और साथ ही साथ शुद्ध कह सकते हैं शुद्धता के अपेक्षित स्तर पर, तो उपरोक्त हम डी को लॉक करेंगे। यहां बोला गया है देव निर्दर्शन निर्भर करता है, तो बेटा वो कबता है अवसर पर, किस पर करता है, वो अवसर पर निर्भर करता है, जो देव निर्दर्शन निर्भर करता है वो करता है बेटा अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कह सकते हैं टिपेट की जो रिपोर्ट का आधार था, टिपेट एक कह सकते हैं एक शास्त्री थे, उनका एक रिपोर्ट का जो आधार था वो था जनसंख्या का, क्या था बेटा जनसंख्या का आधार था। यहां बोला गया है निदर्शन नहीं हो सकता, निदर्शन किसका नहीं हो सकता, तो वो काल्पनिक जो काल्पनिक बातें होती हैं उनका निदर्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, यहां कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो बेटा निम्नलिखित में जो कथन सत्य है वो है प्रतिदर्शन समग्र का एक अंश, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्न से कौन सा कह सकते हैं कौन एक प्रतिदर्श या फिर न्यायदर्श का आवश्यक तत्व है, तो बेटा वो है कह सकते हैं सजातीयता, ठीक है, सजातीयता जो होती है वो एक प्रतिदर्श का एक आवश्यक तत्व होता है, ठीक है, सजातीयता इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहां बोला गया है सामकों का संग्रहण, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लेते हैं, तो सामकों के स्तर होते हैं, तो सामकों के जो स्तर होते हैं बेटा जिसे हम समको कह सकते हैं, तो समकों के स्तर जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं समको के स्तर। यहां बोला गया है संवाद कह सकते हैं संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति समक संकलन, ठीक है,
कि कौन सी रीति है, तो आप कहोगे ये प्राथमिक समंक संकलन की नीति है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द्वितीयक समकों की तुलना में प्राथमिक समक होते हैं बड़ा अधिक कह सकते हैं विश्वसनीय हो सकते हैं, विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 में प्रकाशित जो कह सकते हैं सम्मक है वो कैसे होते हैं, तो ये द्वितीय वो बेटा द्वितीय सम्मक होते हैं, कैसे होते हैं बेटा 2020 और 21 की प्रकाशित सम्मक की बात करें तो वो द्वितीय सम्मक होते हैं, ठीक है, सम्मक उसे बोलते हैं। उसके बाद में यहां बोला गया है देखिए यहां कह रहा है वर्गीकरण और यहां बोला गया है सरणीय, ठीक है, सरणीयन जो होता है वर्गीकरण और सरणीयन क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो तो यहां बोला गया है समनको को स्तंभों एवं पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाना ही क्या कहलाता है, ये हमारा सरणीयन कहलाता है बेटा। जो कह सकते हैं जो सानमक होते हैं उनको एक पंक्ति या फिर स्तंभ में रखना या फिर क्रमबद्ध करना ही सरणी के कहलाता है, ये सरणीयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है वर्गीकरण के अंतर्गत सभी वर्ग होने चाहिए, तो बेटा वो कैसा होना चाहिए, आप कह सकते हैं अपरिचित होना चाहिए, अपरिचित कह सकते हैं, ठीक है, अपरिचित होना चाहिए, अपरिचित, ठीक है, अपरिचित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, अपर जी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जिसने बी दिया है परम सत्य आंसर होगा। यहां बोला गया है सरणीयन का उद्देश्य नहीं है, तो सरणीयन का जो उद्देश्य नहीं है वो है बेटा समनकों का एक कह सकते हैं एक पत्र करना, ठीक है, या एकत्र करना, जो एक कह सकते हैं जो समनकों का जो एकत्र करना होता है, इकट्ठा करना होता है, वो एक सरणी का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। यहां देखो छठे पॉइंट में यहां कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यहां बोला गया है समनकों का एकत्र करना ये क्या होता है, एक सरणी का उद्देश्य नहीं होता है। और यहां बोला है केंद्रीय जो प्रवृत्ति होती है उसके माप एवं संख्या की माध्यम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है सरणी या फिर माला जिसे बोलते हैं उनके चरम मूल्यों में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला माध्यम कौन सा होता है, तो बेटा वो समांतर माध्यम होता है, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्यम की गणना करने के लिए जो वर्गोत्तर होने चाहिए, तो बेटा उपरोक्त सभी संभव है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरणी, सरणी मतलब माला, माला का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है, वो क्या है समांतर माध्यम में, बेटा सरणी का प्रत्येक पद गणना में शामिल किया जाता है वो समांतर माध्यम में किया जाता है। यहाँ कह रहा है गणितीय माध्यम के प्रकार होते हैं, तो बेटा चार होते हैं गणितीय माध्यम के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है अंक गणितीय औसत की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो बेटा वो नहीं है कि यहाँ बोला गया है ऐसा भी अंक हो सकता है जो आंकड़ों में ना हो, ऐसा भी अंक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि व्यक्तिगत सरणी में डॉट डॉट के विचलनों का योग शून्य होता है, तो वो होता है समांतर माध्यम में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है एक कह सकते हैं सममित आवृत्ति वितरण है, या वितरण में क्या होता है, तो आप जानते हैं x के ऊपर बार चढ़ा होगा बराबर m होगा बराबर z होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। m देखो x के ऊपर बार होगा और सब कुछ बराबर बराबर में होगा, याद रखना सब कुछ बराबर बराबर में होगा, वो एक सममित आवृत्ति वितरण कहलाता है। यहां कह रहा है भारित समांतर माध्यम में हो सकता है, तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं, सरल माध्यम के बराबर, सरल माध्यम से अधिक या सरल माध्यम से कम, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है नमा क्वेश्चन, देखो 15 संख्याओं का माध्य कितना है 15 है, उनमें से दो संख्याओं को निकाल दिया जाए बे ठीक है, यहाँ कह रहा है निकाल दिया जाए जैसे कि 18 है एक संख्या और 18 और 12 हो, तो शेष 13 संख्या के मध्य क्या होगा, तो शेष 13 संख्या के मध्य में क्या होगा, तो आप याद रखेंगे 15 होगा, ठीक है, उनके संख्या में भी क्या होगा 15 होगा, एक लास्ट का एक पहले निकाल दो तो संख्या तो 15 उसके मध्य का जो भी हुआ वो 15 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। यहाँ कह रहा है 4.4 का समांतर माध्य क्या होगा, तो बेटा 4.1 का जो समांतर माध्य होगा वो 4.4 ही होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित संख्या में मध्य ज्ञात कीजिए, तो मध्य क्या ज्ञात करेंगे, इनका मध्य निकालना है। बीच की संख्या देखो एक संख्या दो संख्या तीन संख्या चार संख्या पांच संख्या छह संख्या सात आठ नौ, अब नौ का आधा हम करेंगे, नौ का आधा कितना होता है, आप कहोगे नौ का होता है चार, मतलब चार इधर रहने दो और पांच बीच में, मतलब बीच में क्या होगा चार, चार इधर रहने दो चार इधर रहने दो, पांचवी संख्या ले दो एक दो तीन चार पांच, पांचवी संख्या ये आ गई एक दो तीन चार, चार चार आ गया, तो बीच की संख्या क्या होगी 5 पॉइंट कुछ नहीं, यहाँ कह रहा है मध्य ज्ञात करना है, तो इसका जो मध्य निकल के आएगा वो 4 पॉइंट, इन सबको हम जोड़ेंगे तो उसके बाद मध्य निकल के आएगा, उसके बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा 4.9598, ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मध्य निकालना है, संख्या का मध्य कितने निकालना है वो आप ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ बात करिए यदि 10 पद मूल्यों का
18 में 18 से लिया जाए या लिए गए, यहाँ कह रहा है 10 पद मूल्यों का 18 से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग 7 है तो मूल्य का समांतर माध्य होगा, वो समांतर माध्य बेटा 18.7 होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं आपको। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संख्याओं, संख्याएं 2, 7, 9, x इतने हैं तो समांतर माध्य आपको 7 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x का मान बेटा 11 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। आप ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, यहां कह रहा है यदि मालाओं में बहुलक और माध्यक, ठीक है, क्रमशः 13 और 11 है तो उसका माध्य क्या होगा, तो माध्य बेटा उसका 10 होगा। आप इसको सूत्र के द्वारा निकालेंगे, बहुलक और माध्यम वाला, मैड एंड मूड वाला क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ पर लगे संतरों का औसत, ठीक है, आधार निकालने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त औसत क्या होगा, तो बेटा वो समांतर माध्य होता है सबसे ज्यादा औसत निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है वही औसत बराबर कितना होता है संख्या का योग बटे संख्या, वही सब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्य में निकलने कह सकते हैं निकाले गए विभिन्न पदों में विचलों का योग कितना होता है, शून्य होता है। बेटे जो विचलन होते हैं उनका जो योग होगा वो शून्य होगा, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ माध्यिका से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, माध्यिका से देख लीजिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, तो बेटा माध्यिका नहीं होती है चरम मूल्यों से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है माध्य कह सकते हैं माध्यिका का मान बराबर होता है, तो बेटा द्वितीय चतुर्थक से होता है, द्वितीय चतुर्थक होता है उससे उसके समान होता है माध्यिका का मान। ठीक है, माध्यिका का मान यहाँ कह रहा है माध्यिका की गणना से पूर्व सरणी को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो बेटा आरोही और अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, बढ़ते हुए फिर घटते हुए दोनों क्रम में कर सकते हैं। व्यवस्थित कह सकते हैं व्यवस्थित व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका होती है, तो बेटा जो माध्यिका होती है वो होता है n+1/2 बपद, ये माध्यिका होती है। ठीक है, माध्यिका का सूत्र आ गया n+1/2 बपद। यहाँ बोला गया है इसको देखिए श्रेणी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर माध्यिका की गणना सूत्र होगा, तो वो क्या होगा, आप जानते हैं माध्यिका की जो गणना का जो सूत्र होता है वो m = l2 - i/f (m - c) होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है एक महिला की सुंदरता निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापन है, तो बेटा वो होता है अपेक्षित मापन होता है। एक महिला की सुंदरता को यदि कोई नापता है तो वो कैसे होती है, सापेक्षित मापन होता है, उसको सापेक्षित मापन कहते हैं। अब देखो बहुलक को कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ बोला गया है निम्न में से कौन स्थिति संबंधित माध्य है, तो आप कहोगे वो होता है बहुलक और माध्यिका दोनों ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है सरणी में बहुलक की आवृत्ति होती है, बेटा सबसे अधिक होती है सरणी में बहुलक की आवृत्ति, बहुलक की गणना में बर्गोत्तर होने चाहिए, तो बेटा समान वर्ग होना चाहिए, बर्गोत्तर कैसे होना चाहिए, समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वितरण के मध्य और माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, एक वितरण है उसके मध्य माध्यिका के आधार पर बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक की गणना करने के लिए कौन सा विकल्प का सूत्र सही रहेगा, आप याद रखना बी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। बहुलक को इस तरीके से निकालते हैं z = l1 + f2/f0 + f2/i इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसको देखिएगा, यह कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो वो होता है बेटा बहुलक, इनमें आपको यहां से लेकर यहां तक है इसमें आपको बहुलक और माध्यिका ज्ञात करने हैं, तो इसका जो आंसर आएगा 35 और 35 आएगा, याद रखना 35 35 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपको बहुलक निकालना है, यही सूत्र से l1 - 0 वाले सूत्र से निकालना, तो इसका भी आपका मान कितना हो जाएगा 3 निकल के आएगा। सूत्र को सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला यदि माध्यिका 31 है और समांतर माध्य कितना है 33 है, तो आपको बहुलक की अनुमानित रूप कह सकते हैं अनुमानित मूल्य बताना है, वो 27 हो जाएगा, आप चेक करिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया अल्प सम्मिलित आवृत्ति, ठीक है, वितरण की स्थिति कौन सा सत्य है, तो आप कहेंगे वो होता है बेटा बहुलक बोलते हैं भूनिष्ठक को, बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 समांतर माध्य, याद रखना है ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर होगा 2, 3 - 2 याद रखना 3 - 2 होता है। ठीक है, समझ रहे हो, वो भी बहुलक बराबर। यहां कह रहा है अपकरण के मापन क्या होता है, अपकरण का मापन के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, यहां बोला गया है अपकरण का कौन सा माप दिए हुए वितरण की आवृत्तियों से स्वतंत्र होता है, वो होता है विस्तार, एक स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, यह कह रहा है अपकिरण की माप से पता चलता है कि जो समकोण के क्या होते हैं बिखराव के बारे में, कितने सम कितने कितने भागों में बिखरे हुए हैं। यहां कह रहा है चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रवाहित होने वाला अपकिरण का माप है, तो वो होता है विस्तार, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वितरण की दशा में
मीन बराबर मीन प्लस माइनस एसडी का विस्तार शामिल करता है तो वो बेटा होता है कितना करता है तो आप हो गए 68.27%। विस्तार गुणांक की बात की जाए तो एल माइनस एस बटे एल प्लस एस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ विचलन के बारे में, यहां कह रहा है एक कह सकते हैं समक माला को चार बराबर भागों में बांटना कहलाता है, वो चतुर्क कहलाता है। एक समक एक माला है उसको चार भागों में डिवाइड किया जाए तो उसे चतुर्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक श्रेणी में कितने चतुर्क की गणना की जा सकती है तो बेटा दो चतुर्क की गणना की जा सकती है, इस बात को याद रखना है। आपने चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और यहाँ याद रखो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। याद रखना यदि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहा है, ठीक है, हमारे रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जा रही है, आप वो भी देख सकते हैं। यह बोला गया है Q1 और Q3 की गणना के लिए मूल्यों को किस क्रम में लगाया जाना चाहिए तो आप कहोगे वो आरोही क्रम में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि चतुर्क विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो चतुर्क विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 बटे 2। याद रखना Q3 याद रखने के इस तरीके से Q3 माइनस Q1 बटे 2, ठीक है, ये होता है चतुर्क विचलन ज्ञात करने के सूत्र। एक सामान्य वितरण के लिए चतुर्क विचलन होता है वो होता है 2/3 एसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है यदि एक श्रेणी का मध्य विचलन 18 है तो चतुर्क विचलन कितना होगा, उसका 15 होगा, ठीक है, अब निकालेंगे सूत्र से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखिए निम्न समकों में Q1 और Q3 की गणना कीजिए। देखो Q1 और Q3 इसमें जो Q1 होता है वो बेटा ये होता है 8, देखो Q1 है और Q2 की बात करें तो इसका जो निकल के आएगा वो 12.5 निकल के आएगा Q3, ठीक है, उसकी गणना करनी पड़ती है। यहां कह रहा है Q3 का मान बराबर होता है, Q3 का मान किसके बराबर होता है, 75वां शतमक के बराबर होता है, 75वां जो शतमक होता है उसके बराबर होता है Q3 का मान। मध्य विचलन क्या होता है, मध्य विचलन के बारे में देख लीजिए, माध्य विचलन से बोलते हैं तो माध्य विचलन की गणना की जाती है उपरोक्त सभी के द्वारा, समांतर माध्य के, बहुलक के द्वारा, मध्यिका के द्वारा, ठीक है, कह सकते हैं माध्य विचलन की गणना की जाती है। माध्य विचलन न्यूनतम होता है तो आप कहोगे मध्यिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, यहां कह रहा है किस विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्हों को जोड़ दिया जाता है तो वो कहेंगे माध्य विचलन के बारे में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अपनीकरण घात कहते हैं तो अपनीकरण किसे घात कहते हैं, वो कहता है माध्य विचलन को कहा जाता है, ठीक है। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, यहां बोला गया है प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन किया गया तो देखो प्रमाप विचलन के विचार का जो प्रतिमाप किया गया वो किया गया कार्ल एक पियर्सन थे उनके द्वारा किया गया था, कार्ल पियर्सन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन, यहां कह रहा है प्रमाप विचलन, ठीक है, जो अपकरण की क्या होता है वो होता है निक्षेप माप से संबंधित होता है, निक्षेप माप है ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से होता है अधिक होता है बेटा, ठीक है, प्रमाप जो विचलन होता है वो माध्य विचलन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र या केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप में या माप से प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि प्रमाप विचलन सदैव, ठीक है, परिकलित किया जा सकता है तो वो समांतर माध्य से या जो समांतर माध्य होता है उससे हम क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया कि समांतर माध्य के लिए समांतर माध्य से लिए गए विचलकों की बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, कैसा होता है बेटा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है विचलकों के शून्य विचलकों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब ये कैसे होंगे, जब ये क्या कह सकते हैं, जब ये के लिए जाए, जब के लिए, जब ये लिए जाए तो कह सकते हैं समांतर माध्य से लिए जाए तब क्या होगा विचलकों के वर्गों का जो योग होगा वह न्यूनतम होगा जब क्या होगा समांतर माध्य से लिए जाएंगे। यहां बोला गया है व्यक्तिगत श्रेणी के प्रमाप विचलन क्या है, ये बेटा सिग्मा है, अब इस सिग्मा की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है D/N हो जाएगा, D²/N, ठीक है, ये समाकलन वगैरह। यहां देखो यहां बोला गया है कि प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है SD/X⁻ होता है, ठीक है, x पर बार होगा लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका प्रमाण विचलन हो जाएगा अपरिवर्तित हो रहेगा, क्या रहेगा अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप विचलन का वर्ग कहलाता है वो प्रसरण कहलाता है, क्या कहलाता है प्रसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान का भरने का मतलब क्या होता है,
देखो इसमें और इसमें भरने के बाद में जो क्यूडी आएगा वो कितना आएगा, तो यहां देखो 6 भरना होगा हमें, और यहां में क्या भरना पड़ेगा, यहां में भरना पड़ेगा 7.5 भरना पड़ेगा, और यहां हमारा 9 निकल के आएगा, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां कह रहा है कि एन, यदि एन बराबर 20, तो यहां देखो एक्स बराबर 6, एक्स स्क्वायर बराबर इतने, तो मध्य और प्रमाण विचलन मान ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रमाण का मान निकला 0.3 और 6.4, ये आप सूत्र से आप खुद करेंगे तब आपको निकल के आएंगे, ये सूत्र सब क्वेश्चन करने वाले होते हैं। यदि कह रहा है यदि माध्य 45 और माध्य का 48 है, तो विषमता गुणांक -0.4 होगा, तो प्रमाण विचलन क्या है, तो बेटा वो है 22.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1 से 8 तक कह सकते हैं प्रकृति संख्या का, जो प्राकृति संख्या होती है उसका प्रमाण विचलन बताना है, 1 से लेकर 8 तक का जो होता है वो होता है 2.29 होता है, ठीक है। उसका प्रमाण जो विचलन होता है, प्रमाप विचलन कह सकते हैं, प्रमाप विचलन जो होता है वो 1 से लेकर 8 संख्या का वो होता है 2.29, ठीक है। यहां बोला गया है विचरण गुणांक, ठीक है। अपकिरण की क्या होता है, ये सापेक्ष माप होती है, अपकिरण की कैसी माप होती है, विचरण गुणांक वो होती है सापेक्ष माप। यहां कह रहा है विचरण गुणांक अधिक होता है तो श्रेणी कैसी होती है, आयस्तर और असंगत होती है, या असंगत होगी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यहां कह रहा है यदि समांतर माध्य 25 और प्रमाप विचलन 6.25 हो, तो विचरण गुणांक होगा 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, देखो यहां क्वेश्चन बोला गया है प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है एक प्रमाप विचलन का वर्ग, ठीक है। समझना, विचलन का क्या होता है, वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि प्रसरण अभिकिरण की माप कैसी होती है, वो होती है निरपेक्ष, कैसे निरपेक्ष होती है। यहां देखो कुछ 8वें पॉइंट में पहुंचते हैं और यहां बोलता है आपसे कि विषमता की माप कैसे करेंगे, ठीक है। यहां देखो विषमता आवृत्ति वितरण की किस विशेषता को स्पष्ट करती है, तो आप कहोगे वो करती है वितरण के स्वरूप को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमता किसी वितरण के दोनों ओर से संतुलन की समान स्थिति से हटने की प्रवृत्ति है, ये कथन किसका है, तो ये बेटा जो विलियर थे उनके द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। विषमता धनात्मक मतलब होती है जब क्या, विषमता कब धनात्मक होगी, जब क्या होगा एक्स का जो बार है वो बेटा एक्स सबसे बड़ा होगा, एक्स से बड़ा होगा एम, देखो सॉरी जेड से बड़ा होगा एम और एम से बड़ा होगा एक्स बार, तब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सममित वितरण में विषमता गुणांक होता है शून्य होता है, बेटा इस बात को याद रखना, एक जो सममित वितरण होता है उसमें जो विषमता गुणांक होता है वो हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। यहां कह रहा है कॉर बियर जो पियर्सन थे उनके विषमता गुणांक की गणना किस पर आधारित है, तो याद रखना है वो है उपयुक्त आ और ब दोनों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, वो है बेटा आ वाला मीन एंड मोड, ठीक है, मीन बराबर मीन माइनस मोड बटे एस डी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कार्ल के विषमता गुणांक है, तो आप हो गए प्लस माइनस एक के मध्य, ठीक है, प्लस माइनस एक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए यहां बोला गया है कॉल जो पियर्सन है, ठीक है, जो कार्ल पियर्सन थे उनका विषमता गुणांक होगा माइनस यदि यदि माध्य में, देखो कह रहा है यदि जो माध्य है वो 45 हो, माध्य का 48 हो और कह सकते हैं मानक विचलन है 22.5 है, तो उसका -0.4 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप टिक लगा देना, तुरंत के तुरंत यही क्वेश्चन छपते होंगे। यहां कह रहा है बावले का विषमता गुणांक आधारित होता है, वो कह सकते हैं चतुर्क और माध्य दोनों पर होता है, माध्य का जो होता है, ठीक है, माध्य का और चतुर्क दोनों पर होता है, ठीक है। बावले के विषमता गुणांक की क्या सीमा है, तो -1 से लेकर +1 तक एक सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विषमता ऋणात्मक होती है जब समांतर माध्य छोटा होगा मध्यिका से और मध्यिका छोटी होगी बहुलक से, बहुलक को हम भोष्टक भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां देखो सहसंबंध विशेषण, सहसंबंध विशेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सहसंबंध की परिभाषा देते हुए, ठीक है, सहसंबंध की परिभाषा देते हुए किसने लिखा है कि दो पदमालाएं हैं अथवा कह रहे हैं समूहों के मध्य पाए जाने वाले कार्य जो कारण होते हैं उनके संबंधों को सहसंबंध कहा जाता है।
ये किसने कहा था कि जो दो पदमालाएं होती हैं या फिर समूह होते हैं उनके मध्य पाए जाने वाले जो कार्य कारण होते हैं, कार्य कारण संबंध को हम सह संबंध कहते हैं। ये बेटा किंग ने कहा था। किसने कहा था? किंग के द्वारा कहा गया था। सह संबंध होता है, सह संबंध क्या होता है, आप कहोगे धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, रेखीय भी होता है, उपरोक्त सभी को बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सह संबंध के माध्य की माप नहीं है? तो बेटा वो है, कह सकते हैं लॉरेंज वक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां कह रहा है ऋणात्मक सह संबंध का अर्थ होता है, वो होता है विपरीत दिशा में परिवर्तन। क्या होता है बेटा? विपरीत दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पियर्सन ने सह संबंध की किस विधि का प्रतिपादन किया था? तो बेटा वो क्या था? गुणनफल आघूर्ण विधि का, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखो यहां कह रहा है स्पीयरमैन विधि में सह संबंध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, 1-6d2/n और n2-1, इसका आप इस तरीके से याद रखना है सूत्र को। कभी भी ऐसा है आप इस तरीके से करके आएंगे, ठीक है, याद रखना है, सिक्स आपका पहले होगा है, सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है, सह संबंध गुणांक होता है सदैव, कैसा होता है? -1 तथा -1 से +1 के बीच में, ठीक है, याद रखना सहसंबंध हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पियर्सन थे उनके सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य निम्नलिखित सीमा तक मध्य पाया जाता है, कौन सी सीमा के मध्य पाया जाता है? तो आपको -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। और यहां देखिए, यहां कह रहे हैं सहसंबंध गुणांक की सीमा होती है -1 से लेकर +1 के बीच में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपको, देख लेना। जब दो श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन या वृद्धि या फिर कमी होती है तो उसे सहसंबंध कहते हैं, ये धनात्मक होता है। जब एक ही दिशा में क्या होती है, वृद्धि या फिर कमी होती है तो उसे धनात्मक बोला जाता है सहसंबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि अंतर विधि से ये कह सकते हैं से सहसंबंध गुणांक की गणना किसकी देन है? तो आप कहोगे ये कह सकते हैं स्पीयरमैन की देन है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध गुणांक पार्थक होता है किसमें होता है? आर बड़ा हो 6PE से तब होगा। यहां कह रहा है निर्धारण या फिर निश्चयन गुणांक निम्नलिखित का वर्ग है, तो आप कहोगे सह संबंध गुणांक का वर्ग होता है निर्धारण, ठीक है। निर्धारण जो गुणांक होता है या फिर निश्चयन गुणांक भी बोलते हैं, वो किसका वर्ग होता है? तो सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। पूर्ण सहसंबंध होता है +-1, याद रखना है। यदि कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 6 पद कह सकते हैं पदयुग्मों का सहसंबंध गुणांक कितना है? 0.781 है, तो उसका संभाव्य विसर कह सकते हैं जो संभाव्य विभ्रम होता है वो कितना होता है? 0.083 होता है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है सूचांक के बारे में कुछ क्वेश्चन बने हैं। यहां कह रहा है सूचांक या फिर निर्देशांक बोलते हैं उसके परिवर्तन में प्रस्तुत होता है, तो सापेक्ष में प्रदुत होता है या सापेक्ष माप के अंतर्गत रखा जाता है सूचांक को। यहां कह रहा है आधार वर्ष का सूचांक सदैव होता है, कैसा होता है बेटा? आधार वर्ष का सूचांक सदैव होता है, वो होता है 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कीमत स्तर में प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन की तुलना करने के लिए उपरोक्त सूचांक है, वो होता है श्रृंखला आधार सूचांक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, समाज के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले, ठीक है, कीमत स्तर परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सर्वोक्त सूचांक है, वो होता है जीवन निर्वाह व्यय सूचांक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वर्ष परिवर्तन का सूत्र होता है, आधार वर्ष परिवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है चाल, कह सकते हैं चालू वर्ष का पूरा सूचांक और नए आधार वर्ष का पुराना सूचांक इनटू 100, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक करेंगे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, आदर्श सूचांक किसने बनाया था? तो आप कहोगे वो बनाया था फिशर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आज जो आदर्श सूचांक है वो किसने बनाया था? तो याद रखेंगे फिशर द्वारा। कह रहा है एक अच्छे देशांक जो देशांक के होते हैं वे है जो पूर्ण करता है उपरोक्त सभी को, समय परीक्षण को, ठीक है, चक्रीय परीक्षण को और तत्व परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, उपरोक्त सभी को लॉक कर देना है। यह कह रहा है फिशर का आदर्श सूचांक पूर्ण करता है किसमें? समय और तत्व,
ठीक है, दोनों को करता है, समय और तत्व दोनों के जो उत्क्रमणता होती है उसके परीक्षण को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, समय उत्क्रमणता परीक्षण पूर्णता होता है जब क्या होता है बेटा, जब क्या होगा, जब 0, 1 से 10 p इंटू पी टेन बराबर 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देना, ठीक है। इन क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए और दिन भर रात भर पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और पेपर देने चले जाइए चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व, यहां कह रहा है तत्व उत्क्रमणता परीक्षण संतुष्ट होता है, कब होता है, तो यहां देखो दे रखा है P0 से P Q1, ये पूरा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूचकांकित क्षेत्र से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी होते हैं, फिशर, वाउन और मार्शल, ये सभी थे चारों तीनों, ठीक है। ये था आज के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिक्स के पेपर के बारे में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है बेटा।